और बिहार के नवादा में दलित बस्ती में लगी आग ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लोगों का घर तो जलकर राख हुआ ही, साथ ही उनके सामने रखाने तक की अब समस्या पैदा हो गई है। घर का सारा सामान जलने से लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं और ना ही खाने के लिए कुछ राशन बचा है। ऐसे में पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए गुहार लगाई है। आखिर करे तो क्या कर रहे भाई, वीडियो बना। रोते बिलखते इन लोगों के पास ना अब खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े और ना रहने को मकान। इनका सब कुछ आंख के हवाले कर दिया गया है। जले हुए घर, बर्तन और सामान सब जलकर राख हो चुका है और अब इन लोगों के पास बचा है तो सिर्फ दर्द और आंसू। बच्चा भूखल कान रहा है, दूसर के खाए मांग के देखो खिला रहा हमारा बच्चा। हमको अनाज जर गया तो हम क्या पका के खिलाएं वाला बच्चा को। छोटा छोटा बच्चा है, जहाँ तहाँ कान रहा है भूखल भूखल। कपड़ा लत्ता गल्ला पाती सब जर गया, हम लोग के सब कुछ जर गया। देखिए कैसा कैसा हो गया, हम लोग बच्चा भूखा भूखा बहुत कान रहा है। समय घर में बच्चे थे, सबको लेकर आप लोग भागी? सबको लेकर भागी। सामान हटाने का भी कोई मौका नहीं? बच्चे देखते हैं सामान अपना हटाने के लिए देखते, पैसा वगैरह था सब जल गया। नवादा के कृष्णानगर गांव में बुधवार रात को हुआ यह हमला और आगजनी की घटना जातियों पर आपसी संघर्ष नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की पुरानी लड़ाई की वजह से हुआ। ये बस्ती दलितों की है और आग लगाने वाले भी दलित ही हैं। जमीन पर कब्जे की लड़ाई से पहले कई राउंड फायरिंग की और फिर गरीबों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। भाई आखिर करे तो क्या करे भाई, सपोर्ट करे प्लीज। दरअसल यहाँ जिस जमीन पर मांझी और रविदास समुदाय के 80 परिवार रहते हैं, इसे लेकर विवाद है। पासवान और मांझी समाज के लोगों के बीच गैर मजरुआ जमीन को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। दलित समाज से ही आने वाला घटना का मुख्य आरोपी नंदू पासवान भी इस जमीन पर अपना दावा ठोकता है। इसी को लेकर पूरा विवाद है जो 1995 से कोर्ट में लंबित है। ये जो दलित बस्ती है, यहाँ एक सरकारी जमीन है और इस पर करीब 70 से 80 परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। खासतौर से मांझी समाज के लोग और रविदास समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनका जमीन का विवाद लंबे समय से बगल के ही एक गांव में रहने वाले नंदू पासवान से चल रहा है और नंदू पासवान भी इस सरकारी जमीन पर अपना दावा करता है और इस बात को लेकर मामला कोर्ट में है। और मामला जब अभी कोर्ट में चल रहा है, इसी दौरान नंदू पासवान और उनके लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर फायरिंग की और इस पूरी बस्ती में आग लगा दी। और जब यहाँ पर आग लगी तो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आप देखिए कुछ भी यहाँ बचा नहीं है लोगों का। यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं लेकिन सब कुछ जलकर राख हो चुका है। थोड़े बहुत जो बर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किस तरह से जले हुए, लोगों के लिए अब खाने तक का यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि सब कुछ जल चुका है। जिनकी बस्ती में आग लगाई गई वो बिहार के महादलित हैं, जिनकी जाति मांझी और रविदास है। बिहार के दलित समुदाय में 22 के करीब जातियां हैं। जो आग लगाने वाले आरोपी हैं वो पासवान हैं। आरोप है कि नंदू पासवान ने पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पुष्टि बिहार पुलिस ने भी की। नंदू पासवान से विवाद यही है, उन लोग सोचा कि हम जैसे इन लोग के भगा देंगे, वो सोचा कि सस्ते में निकल जाएंगे, दो चार लाठी मारेंगे इन लोग भाग जाएगा, जमीन कब्जा हो जाएगा तो फिर कौन लेगा। आप लोग को यहाँ सरकार ने बसाया? जी हाँ, जब नक्शा बना, प्लॉटवार बना, LRDC ऑर्डर किया, CO किया, सरकारी अमीन गुरसहाय नाप के निकाल दिया हम लोग का जमीन। उसका बहुत दिन के बाद एगो मियाँ जी खतियान बनवा लिया घोष दे करके। कौन बना? नंदू पासवान से कब से चल रहा है झगड़ा? 95 से। अभी मामला कोर्ट में? कोर्ट में। तो इधर क्या धमकी भी दे रहा था वो?
धमकी भी दे रहा था, अगला साल भी गोली चलाया, आई साल तो आगे लहका दिया। कृष्ण नगर के हखिने हैं के पासवान हखिने। हाँ तो क्या इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ था उससे? हाँ पहले झगड़ा हखिन, अखे भी आ गोली छूटल खिन हल जबरगो। कब की बात है? साल भर हो रहा खिन। कागज बना ले सर, हमने पर्चा मिला था। हाँ पर्चा मिला है। कितने साल से रह रहा? डेढ़ साल से रह रहा है हमने बाप दादा। नंदू पासवान को भी क्या यहाँ पर्चा मिला हुआ है? तो नंदू साथ था सर, तो मतलब सोचा हम आधा लेंगी तो नहीं कम लो। पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हालांकि मामले में 28 लोग नामजद हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। देखिए यहाँ पर एक टाइटल चल रहा है बहुत पुराना, 1995 से चल रहा है। तो अब टाइटल चल रहा है तो कोर्ट ने प्लीडर कमिश्नर अपॉइंट कर भी करने का प्रोसेस किया हुआ है, और वो तो कोर्ट के तहत होना है इसको। देखिए गिरफ्तारियां 15 हो चुकी हैं, 28 नामजद हैं, इसमें 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और कॉज तो जमीन का ही है। तो सरकारी जमीन पर ये लोग बसाए गए थे? सरकारी जमीन नहीं, चूंकि टाइटल में जो है ना वो रैयती एस्पेक्ट है, अरेस्ट खतियान में रैयती पहलू है। घटना को नीतीश सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। सरकार के मंत्रियों ने गाँव का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लेकिन मामला महादलित से जुड़ा था, इसलिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। ये मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से संज्ञान में लिए हैं, और जो इस तरह के मानसिकता लेकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस मानसिकता को जो पोषित कर रहे हैं और जो माहौल खराब कर रहे हैं, उस जंगल राज वाले लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए। दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई, जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो आग में अपना सब कुछ गंवाने वाले नवादा की महादलित बस्ती के लोग सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, साथ ही अपने रहने खाने का इंतजाम करने की मांग भी कर रहे हैं।